वो भी पीछे डाले क्रॉस कर जाए भैया भाई कॉलिंग के बाद आइए बेबी देखो ये रोड पर आ चुकी है क्या ह्यूज है भाई टाइगर दिख गया टाइगर दिख गया मैं मेरी तो भाई थोड़ी सी आंखें जो है ना आप थोड़ी सी देर बंद देख के समझ गए होंगे कि फाइनली सुबह का टाइम हो चुका है लेता आ रहा हूँ भाजी और फाइनली जरा अब हम फिर से निकलने की तैयारी में अपने जो कि है आपका सफारी के लिए मॉर्निंग सफारी के लिए और थोड़ा सा हम फिर से ज़रा लेट हो गए हैं भैया चलें थोड़ा सा जरा हम फिर से लेट हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं जरा जल्दी पहले निकलेंगे क्योंकि आज हमारी है लास्ट सफारी और लास्ट की दो सफारी जो हमारी रही है वो मिस रही है टाइगर से तो कोशिश करेंगे इस बार कि इस बार जरूर टाइगर देखा जाए फिर से हमारी जरा जोन टू की तरफ सवारी सुबह सुबह हम फाइनली अपने गेट की तरफ पहुंच गए हैं अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा अभी हमारे गाइड साहब जा रहे हैं जरा एंट्री कराने और सामने होगी एंट्री और यहाँ से निकलेंगे हम क्योंकि यहाँ से निकलते हैं केवल जिप्सियाँ पीछे से रोशनी आ गई तो आप शायद आपको दिख गया होगा फाइनली गाइस हमारी एंट्री जो है गेट नंबर टू में हो चुकी है और अब जो हमारी सफारी है वो होती है यहाँ से स्टार्ट सबसे पहले हम उसी पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम हमें लेपर्ड के लिए कॉलिंग आई थी तो लेट्स सी भाजी बी पॉजिटिव हूँ आज मैं भैया बी पॉजिटिव आज तो ऐसे डेट तक पॉजिटिव होना चाहिए जरूरी है कि क्या करेंगे भाई अभी हम आगे की तरफ निकल चुके हैं भाई क्या खतरनाक लग रहा है अब जरा हम घूमेंगे इस तरफ पे क्योंकि उस तरफ से लोग चेक करके आ गए हैं तो कुछ नहीं था यहाँ पे देखते हैं टाइगर दिख गया टाइगर दिख गया मेरी नज़र ना ऐसी रहती है टाइगर दिख गया और इधर है इसके पीछे है ना इधर है टाइगर हाँ जी दिख गया भैया इसके पीछे वो रहा झाड़ हिल रही है झाड़ हिल रही है भैया बोरा भैया उधर है बोरा 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 झाड़ हिल लिया झाड़ हिल लिया वो भैया वो उधर उसके बीच में गया बोरा बोरा तुम लोग तो मानते नहीं हो भैया को हम तो मानते ही हैं भैया बोरा 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 किधर ही बोरा भी दिख गया शोर ये दिख गया शोर नहीं आ रहा और आज मेरी नजरों पीछे आओ पाजी पीछे आओ जल्दी आओ पीछे आओ मेरी जगह पापा जी ठीक सामने बोरा जहाँ पे बोरे बोरा 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 ये आप भी देख सकते हो जो टाइगर है ये रहा दिख गया आपको गाइड साहब और ये जो टाइगर अरे रिकॉर्ड भी हुआ भैया ये ना झाड़ी है ना इसके लेफ्ट में देख नीचे घास में एक सेकंड की एक सेकंड से भी कम का टाइम था उसका टाइगर का क्या ना सामने टाइगर चेहरा सामने ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सामने टाइगर ये लीजिए पाजी बस 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 ये रहा सामने आपका ये आप देख सकते हो टाइगर भाई साहब भैया इसका नाम क्या है इस वाले टाइगर का एरो हेड है क्या बच्ची हो लूरी है एरो हेड क्या भाई साहब क्या जबरदस्त साइटिंग हो रही है सामने से टाइगर देख सकते हो सो ब्यूटीफुल यहीं पे आएगी यहीं पे आएगी और ये अभी रोड क्रॉस करेगा मुझे लग रहा है नूरी है ये नूरी है हम लोग देख रहे हैं नूरी सो ब्यूटीफुल हाय नूरी गुड मॉर्निंग नूरी को लग रहा था कि आज ब्लॉगिंग देखते हैं पीछे पीछे सो ब्यूटीफुल पीछे डाले क्रॉस कर जाए भैया बोलना बहुत ज़्यादा बोलना नूरी बोलना मत रोड पे
क्या जबरदस्त सेटिंग हो रही है यार, क्या जबरदस्त सेटिंग हो रही है। इसका नाम नूरी है ना, नूरी तो भाई ये टाइग्रेस नूरी है। टाइग्रेस नूरी है भाई ये। अरे आ गई रोड पर नूरी हमारी, ये रोड पर आ चुकी है। क्या ह्यूज है भाई ये, क्या ह्यूज ह्यूज है ये। भैया हम तो मानते हैं, तभी तो आपको लेके आते हैं। भाई साहब मैं जाने चाहिए तुम भी निकल जाते, मैंने डाटो मैंने सबको या तेरे को दिख गया ये क्रेडिट तेरे को जाता। ऐसे ही ऐसे तकरीबन 16 17 बार दिखाया ये जाता है, इसमें जाता है ये सिचुएशन में बहुत नहीं ये नहीं ऐसे ढूंढ चुका है पहले ये तो जो मैंने देखा बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया भैया, मजा आ गया सही में, पूरा जबरदस्त पूरा मजा आ गया। हो गया थोड़ा, थैंक यू सेम भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाजी, सुबह सुबह का हो गया काम। थैंक यू, चलो जी भाई वेट करें, यहाँ पे अभी चलेंगे यार। तो भाई जो अभी टाइग्रेस ऊपर गई है इसका नाम नूरी था, और ये भी बच्ची है। नहीं नहीं बच्चे, इसके बच्चे हैं नूरी के, 8 साल की कम से कम, 8 भैया। लेकिन बड़ी ह्यूज है टाइग्रेस, बड़ी ह्यूज टाइग्रेस सही में भैया। लेकिन मजा आ गया यार कसम से, ये बिल्कुल अद्भुत था, जो भी था अद्भुत था। जैसे ही आपने बोला ना कि है वहाँ पे, और इतनी दूरी पता, सब जने सोच रहे थे कि नहीं है शायद, नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन मैं समझ गया था जैसे झाड़ी मिलना बल्कि सी, मैंने कहा आज तो 101% है, जब कुछ भी कर लो तो अब नहीं जाना यहाँ से कहीं से भी। सही है भाई, और इस घने जंगल के बीच में टाइग्रेस को वहाँ पे स्पॉट करना ना एक वाकई में बहुत ज़बरदस्त साइटिंग थी। तो इसका क्रेडिट हमारे भैया को जाता है जिन्होंने ढूंढ के निकाला है क्योंकि इतनी दूरी से। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं आज पाजी ने अपने कैमरे में क्या चमत्कार स्टोर किया। भाई तो यहाँ से ये एरोहेड का इलाका है, किसका है? तो इसी का है, अच्छा यहाँ मेल टाइगर भी आता है, बादल T108 101। तो भाई वहाँ की खुशी समेटने के बाद फिर से अब चल हम आगे की तरफ। यार क्या भैया ये है लेपर्ड की चोटी में बैठने की मस्त है यार, लेकिन भैया भाई फाइनली हम लोग जरा अपने आगे के सफ़र के लिए और निकल चुके हैं। उम्मीद है कि सुबह की जो साइटिंग है अच्छी हुई है, और उसके बाद अभी जो साइटिंग हो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन उसके लिए हमें पूरा फोकस रहना पड़ेगा। अपने गाइड साहब और ड्राइवर साहब से मिलवाना भूल गए। तो सर आपका नाम क्या हुआ? सर मैं सर जाहिद खान। जाहिद खान क्या सर? और सर का नाम क्या हुआ? महेंद्र सैनी। महेंद्र सैनी जी। तो आज क्या हुआ, सुबह सुबह ना जरा जल्दी थी लेट हो गए, तो इस चक्कर में आपसे थोड़ा सा जरा बात करना और सब चीजें रह गई ना। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस वाले एरिया में भी और कितने टाइगर एक्टिव है अभी हमारे? सर एक्चुअली जोन नंबर 2 में 3-4 टाइगर है, हर जोन में 3-4 टाइगर बिलोंग करते हैं। तो अभी नूरी जो हमने देखी है वेरी गुड साइटिंग, एंड नूरी जोन नंबर 2 को भी बिलोंग करती है और 1 को भी बिलोंग करती है। मेल टाइगर दिखता है 101 जिसे बादल नाम दे रखा है, ठीक है। एंड T60 फीमेल यस्टरडे इज एक्सपायर्ड, वेरी सैड न्यूज़। एक फीमेल थी जो लगभग 13 साल की थी, बट वो एक्सपायर होगी।
और भी यहाँ पर 119 करके फीमेल है वो भी टाइगर दिखती है, तीन चार टाइगर का एरिया है सर। अच्छा, बट इस मौसम में टाइगर दिख गया बिकॉज यस्टरडे नाइट वेरी गुड राइड इन रणथंभौर नेशनल पार्क, यू आर लकी सर। ये जो एरिया है जिसमें अभी हम एंट्री ले रहे हैं ये है टी 123 टाइगर का एरिया, और एक्टिव है यहाँ पे अभी तो सुनने में जो आया है ये भी कल परसों भी यहाँ से कुछ उसकी एक्टिविटी नोट की गई है। कल इसकी यहाँ पे कुछ कल सुबह की उसकी यहाँ पे एक्टिविटी नोट की गई है। जंगल बिल्कुल पा दिया, खिला खिला हुआ लग रहा है बिल्कुल बारिश के बाद ना, बहुत ज़्यादा। हाई कॉलिंग की आवाज़ आई है बीबी, देखो एक और भाई फिर से कॉल आई है जहाँ पे अभी हम थे ना, वहीं से जहाँ पे हम थे वहीं से आई है फिर से कॉल। कॉलिंग आ रही है, हां कैसे पूछ पाएंगे आप? ये हुआ नहीं जाएगी, सब जाई देंगे जो मूवमेंट करेगा तो स्टेट आ जाएगा, तो उधर मूवमेंट करेगा तो लग गया थे अंदर नहीं गए थोड़ा पीछे कर। टाइगर को जो है वो देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। लेट्स सी की इधर ना बस 42 होता है। इस जगह वेट कर रहे हैं अभी हम टाइगर 123 और 101 का। चलो एयरवेट के लिए, एयरवेट के लिए ट्राई करते हैं, इनका तो दोनों का मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, एयरवेट का देखते हैं। ठीक है भाजी, तो भाई यहाँ पे हो रहा है एयरवेट का इंतज़ार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि टाइगर जो है वो जख्मी है और क्रोकोडाइल ने काटा था ना भी उसे एक साइड से, तो क्रोकोडाइल ने काटा था एयरवेट को एक साइड से, तो इस वजह से उसे यहीं पे ही है क्या एयरवेड? आसपास ही है भाई, ये भी है अपने भाई लोग अपने एयरवेड को ढूंढ रहे हैं जरा। अच्छा एयरवेड के कब, ये क्या बता रहे सर, यहीं पे ही आसपास ही है। सो फाइनली गाइस अभी तो हम जरा वापसी की ओर निकल चुके हैं और आज दिन अच्छा रहा, टाइगर्स मूवी देखी अपने लोगों ने, और चलते हैं फिर वापस। और पहले ज़रा पहुँचता हूँ होटल और उसके बाद बताता हूँ आगे का क्या प्रोसीजर और क्या अभी सीन रहने वाला है। तब तक अभी थोड़ा सा जो रास्ता बचा ना, सब लोग सर्चिंग पे हैं।